तो एक बार क्या हुआ, एक गीदड़ जिसको बहुत भूख लगी थी, वो जंगल से निकलकर शहर में आ गया था। नहीं, शहर में नहीं, गांव में आ गया था। अब उसे थोड़ी मालूम था कि गांव में कुत्ते होते हैं। उसे तो इतनी जोर से भूख लगी थी, वो पिछले काफी वक्त से जंगल में जाकर इधर उधर मुंह मार रहा था, पर उसे कुछ मिला ही नहीं खाने को। परेशान होकर पहुंच गया गांव में। अब गांव में जैसे ही पहुंचा तो वहां पर कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अब कुत्ते इस कदर उसके पीछे पड़े कि आगे आगे भेड़िया, आगे आगे गीदड़, पीछे पीछे कुत्ते, आगे आगे गीदड़, पीछे पीछे कुत्ते, कुत्ते भौंकते और गीदड़ आगे। ऐसी हालत हुई, ऐसी भागदौड़ हुई कि गीदड़ ने मौका देखते ही एक घर देखा जो घर खुला हुआ था, और जाकर घर में घुस गया। अब उसे ये बात तो मालूम नहीं थी कि ये घर किसी पेंटर का था। जैसे ही वो उसके अंदर घुसा, घर के आंगन में एक बड़ा सा टब था जिसमें पूरा रंग से भरा हुआ था। वो उसके अंदर घुसते ही सीधा पानी के अंदर, और पानी के अंदर दुपक गया। और कुत्ते तो अच्छे होते हैं, कुत्ते थोड़ी घर के अंदर घुसते हैं। वो घर के बाहर खड़े होकर जोरों से पागलों की तरह चीखने लगे। और अंदर भेड़िए की हालत खराब। ओ बाप रे बाप रे, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर निकलूंगा तो वो कुत्ते खा जाएंगे, और अंदर रहा तो सर्दी से खत्म हो जाऊंगा। अरे बाप रे क्या करूं, अरे बाप रे क्या करूं, अरे बाप रे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इसी जद्दोजहद में लगा हुआ था, तभी उसके दिमाग में आया कि मैं थोड़ी देर तक यहीं रुकता हूं जब तक लोग नहीं आ जाते। जैसे ही लोग आने लगेंगे तो वो कुत्ते भाग जाएंगे, या फिर मैं सुबह तक का इंतजार करता हूं, जैसे ही सुबह होगी मौका देखते ही भाग जाऊंगा। और वो उसी पानी में डूबा रहा, पूरी रात वो कांपता रहा और पानी में ही डूबा रहा। मौका देखा कि जब कुत्ते गायब हो गए और सूरज की पहली किरण आने ही वाली थी, वो मौका देखते ही टब से बाहर निकला और दे दौड़, इतनी तेज भागा और रुका ही नहीं जब तक जंगल में नहीं पहुंच गया। जंगल पहुंच कर उसने सांस ली। जंगल पहुंच कर जब सूरज की पहली रोशनी उसके ऊपर गिरी तो आराम से कहने लगा, ओहो क्या बात है, ओहो सुकून है, बहुत सुकून है भाई। अरे ये क्या हो गया, मैं नीले रंग का कैसे हो गया, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे धूप से मैं चमक रहा हूँ, धूप से मैं चमक रहा हूँ, ये लगता है मजेदार होगा कुछ। वो ये सब बातें कर रहा था और जंगल में जितने जानवर थे उसको देखकर अलग बातें कर रहे थे। एक बोला, अरे बाप रे मुझे लगता है ये कोई नया जानवर आया है, बड़ा खतरनाक लगता है। दूसरा बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, ये तो बहुत ही गजब जानवर है, अरे भाई इतना खतरनाक लगता है। तीसरा बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चौथा बोला, ओ मुझे भी यही लगता है, भागते भागते भागते। और सारे जानवर भागने लगे, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई इधर, इधर भागने लगे। और गीदड़ ने जब ये देखा कि सब जानवर भाग रहे हैं तो मौके का फायदा उठाकर सीधा चढ़ गया एक पत्थर के ऊपर, और पत्थर के ऊपर चढ़कर कहने लगा, ओए भागो मत, भागो मत, भागो मत, तुम सब भागो मत, मुझे भगवान ने भेजा है, भगवान ने मुझे भेजा है ताकि मैं इस जंगल का जानवर यानी जानवरों का राजा बन सकूं, हाहा, और मैं राजा बन सकूं इसलिए भगवान ने मुझे ये रंग दिया है, आहा, और अगर तुम सब भागे तो भगवान तुम्हें सजा देंगे, आहा, मेरी बात मानो वरना तुम सब के सब भगवान के हाथों मारे जाओगे, रुक जाओ। ये सुनते ही सब रुक गए। एक ने कहा, महाराज हम तो आपकी बात मानेंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। ये सुनते ही गीदड़ की बांछे खिल गई, और उसी वक्त उसने सारे जंगल को बुलाया, शेर को अपना मंत्री अपॉइंट किया, बाघ को अपना सेनापति, हाथी को पानी लाने का काम, और चीता को द्वारपाल बनाया, और सारे गीदड़ों को भगा दिया।
और आराम से राजा की तरह रहने लगा। रोज सुबह उठता और सारे जानवर उसको झुककर प्रणाम करते। ये देखकर गीदड़ की तो बांछे खिल गई। रोज शेर के हाथों मारा हुआ खाना खाता और दिन ब दिन मोटा ताजा होते जा रहा था और सोचने लगा, आहा, यही है जिंदगी, क्या बात है, आहा, यही है जिंदगी। ये सारी बातें कर ही रहा था, लेकिन कोई बुरा कितना बुरा कर सकता है, आखिर में जाकर फंस ही जाता है। तो यही हुआ गीदड़ महाराज के साथ। दूसरे जंगल के राजा ने इस जंगल पे जब हमला किया तो शेर ने आकर राजा से कहा, अरे गीदड़ महाराज, हमारे ऊपर हमला हो गया है। पीछे से चीते ने आकर कहा, हाँ महाराज, हम पे हमला हो गया है। फिर बाघ ने आकर कहा, महाराज आप तो देवता हैं, आपके पास तो दैव्य शक्तियां हैं, आप हमारे साथ चलिए और उस शेर से मुकाबला कीजिए, उस शेर को हरा दीजिए महाराज, उस शेर को हरा दीजिए। गीदड़ चुप, उसे लड़ना पड़ेगा, वो भी शेर से। पसीना पसीना हो गया, हाथ कांपने लगे, सर कांपने लगा, पैर कांपने लगे और कांपते हुए कहने लगा, मुझे लगता है हमें ना लड़ना वड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई अच्छी बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम ना माफी मांग लेते हैं या फिर यहाँ से भाग जाते हैं, लड़ाई वड़ाई क्या करते हैं, बहुत शक्तिशाली लगता है। सबने जब ये बात सुनी सब समझ गए कि ये कोई राजा बाजा नहीं है, बहरूपिया है, बहरूपिया। और सबने मिलकर गीदड़ को ये मारा कि नीला रंग था ना, लाल काला पीला हरा सब हो गया और भगा दिया उसको वहां से। और फिर जो हमारा मंत्री था वो राजा बनकर आराम से रहने लगा। तो ये थी पंचतंत्र की एक और कहानी।